जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए। वो क्या हुआ जब 5 बच्चों के 720 एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज आ रहे हैं, वो मुद्दा कहाँ गया? हमारी रेमेडी है कि आपका इंटायर रिजल्ट जो है वो सेट असाइड हो या फिर ये मैटर जो है वो एसआईटी को हैंडल किया जाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। हमारी सबमिशन ये थी कि जब एफआईआर हो चुकी है, पेपर्स लीक हुए, पटना में एक एफआईआर है और दूसरी जगह पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर एफआईआर लॉज हुई है, तो इससे ये पता लगता है कि सारा एग्जामिनेशन वीसीएस था। एनटीए ने ये बात ग्रेस मार्क्स में तो मानी है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, तभी उन्होंने ये इसको रिकॉल किया है। लेकिन मैंने आज अभी कोर्ट में ये आर्ग्यू किया, जज साहब को बताया कि जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो एनटीए ने किया है, सिर्फ एनटीए की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए हैं ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है, एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। एक और मेजर पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हम सिर्फ, उन्होंने जैसे बोला कि 1563 स्टूडेंट्स का हम रीनीट करा देंगे, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो क्या 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम करा के 23 लाख बच्चों को जस्टिस मिलने वाला है? नॉट एट ऑल। वो क्या हुआ जब 5 बच्चों के 720 एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज आ रहे हैं, वो मुद्दा कहाँ गया? वो कहा गया कि पिछले साल आप अगर किसी के 643 मार्क्स हैं, जो कि पेटिशनर के 643 मार्क्स हैं, उनकी रैंक लास्ट टाइम के हिसाब से देखें तो 8900 थी और इस टाइम 36000 है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है? क्या एक साल में इतने टॉपर्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर? नॉट एट ऑल। आपने रेमेडी क्या मांगी थी मैम? हमारी रेमेडी है कि आपका इंटायर रिजल्ट जो है वो सेट असाइड हो या फिर ये मैटर जो है वो एसआईटी को हैंडल किया जाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी दो मेजर प्रेयर्स हैं इसमें। और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट में अभी यही है कि लेट द रिस्पॉन्स कम, बिकॉज एनटीए का भी रिस्पॉन्स आना बाकी है इसमें, राइट? दे हैव टू फाइल द काउंटर, उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन होगा। तो अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे तो नहीं है मैटर, बट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये पूरे, मैं बोलूंगी कि 23 लाख बच्चे एक पूरा युवा का भविष्य है, 23 लाख बच्चे कम नहीं होते, और अगर अच्छा जजमेंट आता है तो ये पूरे भारत के, मैं बोलूंगी कि एक युवा के अंदर एक फेथ क्रिएट होगा जस्टिस को लेके, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हमारे इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है। आज क्यों बाहर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं लोग पढ़ाई करने? बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीज़न। ये 23 लाख बच्चे नहीं, 23 लाख फैमिली सफ़र कर रही हैं बिकॉज ऑफ एनटीए का जो ये बड़ा स्कैम हुआ है। सो होप फॉर द बेस्ट, आप सब भी प्रे करें कि बच्चों को जस्टिस मिले, और बाकी वी आर फाइटिंग इन द कोर्ट। Oh, 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 oh,